यूपी के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। राज्य में बहने वाली कई नदियां उफान पर आ गई हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में कई जगह 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों के किनारे बसे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी बहराइच में भी बाढ़ से बुरा हाल है। सीतापुर में एक परिवार को पानी की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। शाजापुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसने वहां के मेडिकल कॉलेज को अपनी जद में ले लिया। बलिया की घाघरा नदी में कटान के चलते 6 घर उसमें समा चुके हैं। 17 घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, बिजली सप्लाई रोक दी गई। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया है। अभी हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल। कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। पहाड़ों पर जमीनें धस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टाने गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मड़ी महेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही है। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है, तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरिया जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हुए, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहां पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं। कोने कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ, आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां NDRF की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मकान खुद डूब गया, हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाले, सब निकाला गया हम सब लोगों को। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है, तो आसमानी बिजली भी काल बनकर बरस रही है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में 6 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। हालात सुधरने की बजाय भयावह होते जा रहे हैं।
अब हालात ये है कि इंसानों के साथ जानवर भी जान गंवा रहे हैं। अभी तक बाढ़ से ग्रसित होकर 84 लोगों के साथ कई जानवर भी मौत के मुंह में समा चुके हैं। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 से अधिक जानवरों के डूबकर मरने की खबर है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था। लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात SDRF के जवान लोगों की मदद और उन्हें पैदल रास्ता पार करने में लगातार रोक रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में कल तेज बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 2-3 दिन के अंदर बारिश का अनुमान है। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में लोगों की परेशानी ऐसे में बढ़ गई है। तस्वीरें जो बेबस कर देती हैं, तस्वीरें जो डराती हैं, तस्वीरें जो सिस्टम को ध्वस्त कर देती हैं, तस्वीरें जो कुदरत के कोप को बयां करती हैं। देश के कई हिस्सों में सैलाब ने मुसीबत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहां नजर जाएगी, लोग सैलाब से जूझते दिखाई दे। संकट की इस घड़ी ने लाखों परिवारों को त्रासदी का चश्मदीद बना दिया। लहरों के प्रचंड वेग ने इंसान के बनाए सारे सिस्टम को फेल कर दिया। यूपी के अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। डैम से छोड़े गए पानी ने चप्पे चप्पे को अपने शिकंजे में कस लिया। पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां NDRF की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी नदियां लगातार लोगों को डरा रही, क्योंकि इस सैलाब की वजह से यहाँ पूरा जनजीवन तहस नहस हो चुका है। हमारा मकान खुद डूब गया। हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाले हैं, सब निकाला गया हम सब लोगों को। आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे जिलों में बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे ही हालात की वजह से 24 घंटे में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लखीमपुर खीरी के रहरी कला गांव में सैलाब कहर बरपा रहा है। बाढ़ का पानी हदों के पार जा चुका है। यहां एक भी घर ऐसा नहीं है जो सैलाब से सुरक्षित बचा हो। कभी जहाँ पक्की बनी हुई सड़क साफ दिखाई देती थी, वहाँ 10 फीट से ज्यादा पानी चल रहा है और उस पानी पर नाव का ही सहारा है। यहाँ के पंचायत सदन का भी हाल देख लीजिए, जो पूरी तरह सैलाब में समा चुका है। मुसीबत का आलम यह हो चुका है कि लोग छतों पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। सिद्धार्थ नगर से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ सैलाब एक नव दंपति के लिए मुसीबत बन गया। नेपाल से आए पानी ने तटीय इलाके को घेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन को विदाई के दौरान नाव का सहारा लेना पड़ा। उधर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और शिवहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में
बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। दिल्ली के बवाना में देर रात मुड़क नहर टूट गई, जिससे चार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी सप्लाई बंद हो गया। आसपास के रिहायशी इलाके में भी पानी भर गया। ये पानी इतना ज्यादा था कि एक से दो घंटे में ही लोगों के घरों में कमर तक पानी पहुंचने लगा, जिसके बाद लोग अपने ही घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। लोगों के घरों में पानी घुसने से उनके बिजली के इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो आइटम्स थे, पानी की मोटर, घरों में रखा तमाम सामान खराब हो गया। ये तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीरें हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जेजे कॉलोनी पर रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि लोग घरों से निकलने को मजबूर हो गए। 12 बजे पानी भरना चालू हो गया, उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया, सब ऐसे ही अपने आप इधर चल रहे हैं। कहाँ रहेंगे, इधर ही रहेंगे, ऐसे ही रोड पे रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात से 1 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया बच्चों ने, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है इधर। रात 12 बजे जेजे कॉलोनी दिल्ली, और ये सब हुआ आधी रात के वक्त, जब मुनक नहर की दीवारों ने जवाब दे दिया। बवाना और जेजे कॉलोनी के लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, नहर के पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते नहर का पानी घरों के दरवाजों को चीरता हुआ कमरों में पहुंच गया। जो चैन की नींद सोने जा रहे थे, उन्हें पानी ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। मैं आपको सीधी तस्वीरें देखिए, ये बवाना की दिखा रही हूँ, जहाँ पर गलियों के बाहर हम मौजूद हैं। और पानी का लेवल आप यहाँ देखिए, देखिए मुनक लहर जो कि हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी जहाँ पर आता है वो टूटी, और उसके बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी गहरा है। और पीछे गली के एंड में अगर आप देखें तो आप देखें कि वो लोग जो है, जो एक बेदिंग टब होता है उसको नाव बना के इधर से उधर ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल पीछे की तस्वीरें आप गली के एंड की अगर देखेंगे, 1 बजे रात से हम सारे के सारे घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे, इधर आ रहे हैं तो बच्चे सबको भी देखना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाए बताओ, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। पानी कम होना चाहिए ना, पानी अभी तक कम नहीं हुआ। अचानक आई इस आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। यही वजह थी कि मौके पर नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। मैंने चीफ इंजीनियर मुनक नहर को संपर्क किया, उनके एचसीएम एससी बिंदोली गांव को, ये हरियाणा के अंदर बिंदोली वहां पर उस पानी को रोका जा रहा है, वहां से पानी डाइवर्ट होगा। नहर जब धीरे धीरे पानी खत्म होगा या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। बीते एक महीने में राजधानी दिल्ली से अलग अलग चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले प्रचंड गर्मी के बीच लोगों ने दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा, उसके बाद एक दिन की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखा, और अब मुनक नहर की वजह से दिल्ली के एक बड़े इलाके का ये हाल हो गया।